Welcome back to Maths.com. I hope you all are fine. In the previous lecture, we discussed the syllabus of class 10 and some basic definitions related to real numbers. So, let's recap with the help of flowchart. Basically, real numbers two category के number को मिलाकर बनता है, rational number and irrational number. रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू और न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. एंड द नंबर विच इंक्लूड बोथ नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज जीरो इज नोन एज इंटीजर्स. ये आ गई हमारे पास नंबर लाइन. जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं हम उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और जो जीरो से स्टार्ट होंगे हम उन्हें बोलेंगे होल नंबर्स. टू के साथ डिवाइड हो जाते हैं हम उनको बोलते हैं इवन नंबर्स, और जो नंबर टू के साथ डिवाइड नहीं होते हैं हम उनको बोलते हैं ऑड नंबर्स. नो मोर अबाउट दिस डेफिनेशन देन आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आज हम रियल नंबर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा एंड इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो लेट्स स्टार्ट विद. इससे पहले आपको पता होना चाहिए लेम्मा होता क्या. अ लेम्मा इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट इज नोन एज लेम्मा. एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट जो किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम आती है उसको हम बोलते हैं लेम्मा. अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे ए और बी, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, देन वी विल फाइंड द रिलेशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज ऑल इन इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम. An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. Algorithm एक ऐसी series है जो किसी भी problem को step by step solve करता है. हम start करेंगे Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm is a technique to compute the HCF of two positive integers a and b, where a is greater than b, using following steps. डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम HCF निकालते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का. एंड वी विल फाइंड द रिलेशन a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, वेयर q इज द कोफिशिएंट, r इज द रिमाइंडर, a इज द डिविडेंड एंड b इज द डिवाइजर. अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हमारा b आ जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, a और b का. बट अगर हमारा रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो हम फिर से अप्लाई करेंगे इक्विलेट्स डिवीजन लेम्मा टू बी एंड आर. इन स्टेप थर्ड कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो एंड रिपीट स्टेप सेकंड अगेन एंड अगेन अंटिल रिमाइंडर इक्वल टू जीरो. जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे. जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा उसी का डिवाइजर हमारा HCF होगा. For watching, please like and share and don't forget to subscribe for more videos. Bye bye.